हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथ मैचिंग शो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट, गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट डॉट इन्फो पे डाला गया है। तो चलिए, बिना वक्त को बर्बाद किए हम लोग सीधा नोटिफिकेशन को जानते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है। आप लोग अपने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, CBSE सीटेट दिसंबर ऑनलाइन फॉर्म 2021, यानी इसी लाइन से पता चल गया कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट डेट आज ही का है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि CBSE हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2021, यानी दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है इसी साल, उसके लिए CBSE ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट कर दिया है। उसके बाद आगे कहा गया है, दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू दिस वैकेंसी एंड हैव ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप लोग सारा इन्फॉर्मेशन को जान लेंगे और क्राइटेरिया को जान लें और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भर दें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 20 सितंबर, यानी दो दिन बाद से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा 19 अक्टूबर, और फ़ी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2021। एग्ज़ाम होगा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच, ठीक है, 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच। उसके बाद एडमिट कार्ड का डेट अभी नहीं दिया गया है, वो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी का जो है सो पेमेंट करने का जो चार्ज है वो क्या है, जनरल और ओबीसी के लिए अगर वो सिर्फ एक का भरते हैं फॉर्म तो 700 रुपये लगेगा, SC ST, ठीक है, और PH उनके लिए है 350 रुपया। उसके बाद जनरल और ओबीसी अगर दोनों पेपर का फॉर्म भरते हैं तो उनको लगेगा 1200 रुपया, और SC ST PH को लगेगा 600 रुपया। पेमेंट किस तरह कर सकते हैं, पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर ई चलान के थ्रू कर सकते हैं, ये पेमेंट मोड बताया गया है। सीटेट एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से था वही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, चाहे पेपर वन हो या पेपर टू हो। और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम से जुड़े लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को अपडेट मिल जाए।